नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना बगीचा ब्लॉगर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सरी बाय के बारे में। नर्सरी बाय एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप पेड़ पौधे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट से दो पौधे ऑर्डर किए थे। एक तो है ये मॉन्स्टेरा का और एक है ये मनी प्लांट। एक्चुअली जब ये सामान आया तब मैं घर पे था नहीं और मेरे पेरेंट्स थे, और मैं चाहता नहीं था कि ये ज़्यादा देर तक उस कार्डबोर्ड के अंदर बंद रहे, इसलिए मैंने इसको अनबॉक्स करवा दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के पैकेजिंग के अंदर ये आया था। नीचे की साइड में यहाँ पर इसका पॉट था, आप ऐसे समझ सकते हैं, नीचे की साइड में पॉट था और इस पूरे पेड़ को न्यूज़पेपर के अंदर रैप किया हुआ था। इस न्यूज़पेपर के अंदर रैप था एंड जो गमले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको इस पॉलीथीन के अंदर रखा गया था ताकि इसके अंदर की जो भी सॉइल मिक्स है, पॉटिंग मिक्स है, वो बाहर ना निकले। तो पैकेजिंग वाइज बहुत सही था ये। इसको डिलीवर होने में, ये डिलीवर हो गया था 10 तारीख को एंड मैंने ऑर्डर प्लेस किया था अराउंड 6-7 तारीख के आसपास। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मेरे पास पहुँच गया। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, डिलीवरी भी जो एस्टिमेटेड डेट थी उससे पहले ही आ गया मेरे पास। प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एंजॉय मनी प्लांट। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का पॉटिंग मिक्स, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये कोकोपीट एंड बार्क है इसके अंदर, और थोड़े बहुत इसके अंदर परलाइट भी नज़र आ रहा है, परलाइट भी है इसके अंदर। तो तीन चीज़ें जो मेरे को देख के समझ में आ रही है इसके पॉटिंग मिक्स के अंदर, वो है। एंड प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, छोटे छोटे इसके अंदर बहुत सारे शूट्स निकली हुई हैं। अब पता नहीं उन्होंने ये सिर्फ लीव्स डाले हैं या फिर किस तरीके से प्रोपोगेट किया है, लेकिन जो भी है अच्छा बहुत लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी नज़दीक नज़दीक नोड्स हैं, तो इन हर एक नोड से एक पेड़ बनाया जा सकता है, जो मैं अभी नहीं करूँगा। इन अपकमिंग वीडियोस शायद आप जब देख रहे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी डल भी चुकी हो वो वीडियो, तो अगर आपको प्रोपगेशन की वीडियो देखनी किसी भी पेड़ पौधों के बारे में तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर बस मैंने स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ऐड किया है क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र कहीं नीचे हो तो हो, लेकिन मैंने ऊपर से अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया। अगर आपको जानना है कि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका रिव्यू क्या देखना है आपको, तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर बासाकोट के नाम से मेरे चैनल पे वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी, बहुत सारे शूट्स निकले हुए हैं। पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बता दिया कि वो क्या यूज़ करते हैं। तो ये तो बात होगी एंजॉय के बारे में। एंजॉय के बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो आपको डेफिनेटली चैनल पर मिल जाएगी, अगेन आप चेक कर सकते हैं। बात करें इस मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब मैंने इतना बड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था एक ऑनलाइन वेबसाइट से। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, आपको अगर मैं दिखाऊं, सबसे बड़े वाला जो पत्ता है ना, ये शायद से ट्रांजिट में मुड़ गया तो ये सीधा हो नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर साइज़ बताऊँ तो मेरे हाथ से भी बड़ा है। सबसे बड़े वाला पत्ता ये है, फिर जो बाद के इसके पत्ते हैं, जैसे ये हुआ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबके अंदर फेनेस्ट्रेशन दिखाई दे रही हैं। नीचे वाला जो पत्ता है थोड़ा सा येलो हो गया है, शायद से ट्रांजिट के टाइम में इसको धूप नहीं मिली, न्यूट्रिशन नहीं मिला, पानी नहीं मिला होगा, इसीलिए शायद से पीला हो रहा है। तो इसका ये है, इसको भी धीरे धीरे देखते हैं रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने इसको पॉट नहीं किया है, इसको आज या कल के अंदर मैं इसकी पॉटिंग वाली वीडियो भी शूट कर दूंगा। मैं इसको बड़े गमले के अंदर डाल रहा हूँ, एक बार में ही डाल के छोड़ दूंगा, प्लस एक मोस्टिक भी लगा दूंगा इसके साथ में ताकि उसको मैं लपेट कर रखूँ, क्योंकि ये ना बहुत फैल जाएगा और जब भी बड़ा हो जाएगा ना तो इसके सारे पत्ते बिखरने लग जाते हैं, साइड में गिरने लग जाते हैं, तो इसको बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़े गमले में डाल के मोस्टिक डाल दूंगा। इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो भी पूरा कोकोपीट एंड परलाइट है। इसके अंदर मैंने डाला नहीं है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर क्योंकि मैं इसको बड़े वाले गमले के अंदर रिपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है और मैं इसको एक बार ही करके 3-4 साल तक, अगर जितना भी मतलब ये बड़ा होता रहे, जब लगेगा कि दोबारा प्रोपगेट करने की ज़रूरत है या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत है गमले को, तो फिर हम वो कर देंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पूरा एक्सपीरियंस
नर्सरी बॉय का काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता था वो गमला नहीं देते थे, वो पॉलीथीन के अंदर सोइल बांध देते, लेकिन इस बार उन्होंने दोनों के अंदर गमला दिया, विच इज़ वन ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट एडिशन। जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऐसे पेड़ पौधे कहीं लंबी लोकेशन में, तो ये एक प्लास्टिक के अंदर सोइल से तो डेफिनेटली गमला इज 1000 times बेटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते आते हैं, तो इनके पास नर्सरी बाई पे एक 14,500 का भी एक्स्ट्रा लार्ज मॉन्स्टेरा था, फिर एक बिगी के नाम से है जो 2,500 का था, ये जो पर्टिकुलर है ये 650 का था, अराउंड 650 के आसपास, और एक इससे भी छोटा आता है, उसके अंदर ऐसे पत्ते रहेंगे, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इसके अंदर ये आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे पत्ते रहेंगे, इवेंचुअली जब ये बड़ा होगा तो उसके अंदर भी आ जाएंगे, तो वो 200 रुपये का मिल रहा है। तो अगर मैं दोबारा कभी ख़रीदता हूँ, अगर वैसे तो अभी ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है, ऑलरेडी मेरे पास एक पेड़ हो गया तो मैं शायद ना खरीदूँ, लेकिन अगर कभी मन हुआ तो डेफिनेटली मैं 200 वाला ख़रीदूँगा। पत्ते मनी प्लांट जैसे दिखेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब भी पेड़ बड़ा होगा तो फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर भी ऐसे जो फेनेस्ट्रेशन से कटिंग्स आ जाएंगे उसके अंदर। बात करें एंजॉय की, तो ये मुझे पड़ा 200 रुपये का, ये मैंने ऐसे बहुत महंगा ख़रीदा एंजॉय। मनी प्लांट ऑलरेडी बहुत सारे थे, नियोन हो गया मेरे पास, गोल्डन हो गया, एंजॉय भी हो गया, तो मनी प्लांट एक ईजिएस्ट ग्रोइंग प्लांट है मेरे ख्याल से, और आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, एक बार घर में लाने की ज़रूरत है, फिर तो आप इतना चाहें उतना बना सकते हैं मनी प्लांट को। तो ये वाली वैरायटी मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, अब आ गई है, अब इसी से मैं बहुत सारे मनी प्लांट घर के अंदर बना सकता हूँ। तो मनी प्लांट के मैं पूरा एक कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 3 वैरायटी मेरे पास हो गई हैं, 3-4 वैरायटी और बची हैं जो इवेंचुअली धीरे धीरे करके मैं ऐड कर लूँगा अपने कलेक्शन के अंदर। तो 200 रुपये का, अराउंड 650 रुपीज़ का ओवरऑल मैंने कुछ अराउंड 900 something के आसपास पे किया, एक हफ्ते के अंदर आ गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। एंड अगर आप ले रहे हैं तो नर्सरी बाय से तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। बाकी भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे नर्सरी लाइव हो गया, ugao.com हो गया, इनसे ही मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखे हैं, तो उनकी भी वीडियोस आपको चैनल पे जल्दी मिल जाएंगी। एक वेबसाइट है अफोर्डेबल स्टोर की, तो वहाँ से भी मेरे 2-3 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। एलोकेशिया का ब्लैक वेलवेट का सैपलिंग मैंने ऑर्डर किया, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इवेंचुअली आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको किसी भी एस्पेक्ट में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक दे दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, कि आपने कभी ऑनलाइन पेड़ खरीदा और खरीदा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। जितना भी हो सके मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये पेड़ है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे वो बताएं, उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं रिसर्च करके आपको बताऊँगा तो आपको भी सीखने को मिलेगा। That's it for this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।